हाय फ्रेंड्स, केम छो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेश, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। थोड़ी मेरी आवाज़ भारी हो रखी है बिकॉज ऑफ सर्दी, गला पूरा जाम है अपना। तो आज हम लोग जा रहे हैं माथेरान। अभी जिसको पता नहीं है, माथेरान एक नियर बाय हिल स्टेशन है मुंबई के, जहाँ पे आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं बाय ट्रेन। अभी टाइम हो रहा है 5:10, फटाफट हम लोग रेडी हो गए सुबह सुबह में और निकलते हैं अभी यहाँ से। रास्ते में आपको सब डिटेल दूंगा, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कितना कॉस्टिंग होगा, टिकट कहाँ से मिलेगा। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो में। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज तो पिया व्लॉग स्टार्ट करेगी। पिया साथ में बोलते, पिया 1 2 3 ए हेलो। तो ये है मुंबई की ट्रेन का मॉर्निंग का रोज का नज़ारा। सब सुस्त मुर्गे सो रहे, 80% पब्लिक सो रही है। गलती उनकी भी नहीं है, ज़्यादातर मुंबई का अपनी नींद ट्रेन में ही कंप्लीट करते हैं। और अभी है भी बहुत अर्ली मॉर्निंग, तो अभी ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, उनको सोने देते। तो फ्रेंड्स, मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन्स की 3 लाइन चलती है, वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर। अभी हम लोग रहते हैं बोरीवली, जो आता है वेस्टर्न लाइन के अंदर। तो हम लोग को जाना है माथेरान, उसके लिए जो स्टेशन लगता है वो है नेरल, जो आ पड़ता है सेंट्रल लाइन में। तो हमको दादर से ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। जस्ट हम लोग दादर पहुँचे हैं, अभी टाइम हो रहा है 6:10। अपनी यहाँ से ट्रेन है 6:24 की। अगर आप लोकल ट्रेन में माथेरान जाना चाहते हैं तो आपको करजत की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, CST से जो चलती है। अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन में जाना चाहते हैं तो दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेन है जो नेरल स्टेशन पर रुकती है। एक है और 11029 कोयना एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेन है जो नेरल स्टेशन पे रुकती है। अदरवाइज़ आपको करजत ट्रेन पकड़नी है और नेरल स्टेशन के ऊपर उतरना है। वहाँ से आपको 2 ऑप्शन है, एक नैरो गेज ट्रेन चलती है जो आपको अप्रोक्सीमेट 1.5-2 घंटा लगता है उसको माथेरान पहुँचने के लिए, मगर आपको बहुत हसीन नज़ारे देखने मिलेंगे वो ट्रेन के अंदर। अदरवाइज़ आप वहाँ से कैब करके ऊपर अमन लॉज करके बीच में जगह है वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ से भी ट्रेन चलती है, वहाँ से घोड़े भी मिलते हैं, वहाँ से आप चल के भी जा सकते हो। 3 ऑप्शन है वहाँ पर आपके पास। तो भी हमारे बच्चे को जाना है टॉय ट्रेन में। अभी छोटे हैं, ऑब्वियस ही बात है उनको टॉय ट्रेन में मज़ा आएगा। इसकी वजह से हम लोग इतना जल्दी निकले हैं आज, क्योंकि मुझे टॉय ट्रेन का टाइमिंग पता नहीं है। जो मैंने देखा था, जस्ट 9 की ट्रेन मुझे दिखी थी, प्लस वहाँ पर बहुत गर्दी होती है ऐसा मैंने सुना है टिकट्स के लिए। तो बेटर है एडवांस में जल्दी जाना, क्योंकि टॉय ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होती है। बाकी सब डिटेल आपको मैं नेरल स्टेशन पे जाके दूंगा, क्योंकि पीछे बहुत अनाउंसमेंट कर रही है और बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अभी जाएंगे और मिलते हैं आपको डायरेक्ट नेरल स्टेशन के ऊपर। तो दोस्तों, नेरल हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे है टिकट विंडो जहाँ से हम लोग को टॉय ट्रेन का टिकट मिलेगा। बहुत लाइन है, देखते हैं नंबर आता है नहीं आता है। देखिए, यहाँ से 2 ट्रेन चलती है। एक है मॉर्निंग 8:50 की जो माथेरान पहुंचती है 11:30 और दूसरी ट्रेन है 10:25 जो माथेरान पहुंचती है 1:05 पे। तो ये है रेट्स माथेरान जाने के लिए ट्रेन के। विस्टाडोम कोच का एक जन का चार्जेस है 715 रुपीज़, फर्स्ट क्लास का है 330, सेकेंड क्लास का 85 और डिलक्स सलून का है 1650। तो ये देखिए, ट्रेन यहाँ पे लग चुकी है। अभी अपने को टिकट मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं, क्योंकि टोटल 90 लोगों की कैपेसिटी है सिर्फ ये ट्रेन की सेकंड क्लास में, 16 लोगों की कैपेसिटी है फर्स्ट क्लास में और विस्टाडोम कोच में सिर्फ 5 लोग ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, गर्दी देख के जैसा एक्सपेक्टेड था, हम लोग को ट्रेन की टिकट्स नहीं मिली है। अभी बहुत लिमिटेड सीट्स है और ऑब्वियस ही बात है छोटी सी ट्रेन है तो ज़्यादा सीट्स नहीं है, मगर यहाँ पर अगर आप ये ट्रेन की जर्नी ऑप्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप यहाँ पे जल्दी आए। 8:00 को इनका टिकट विंडो ओपन हो जाता है, उसके पहले बहुत लाइन लगती है स्पेशली वीकेंड्स के टाइम पे। तो आप अगर ये ट्रेन में जाना चाहते हैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, 45 मिनट्स पहले ये लोग विंडो खोल देते हैं, उसी टाइम पे आपको जितनी सीट्स रहेगी उतनी ही टिकट्स इशू करते हैं ये लोग, उससे ज़्यादा टिकट्स नहीं करते। प्लस यहाँ पर एक आदमी को 4 टिकट्स से ज़्यादा आप किसी को नहीं देंगे। अगर आपका ग्रुप है मेक श्योर कीजिएगा आप 1-2 जन खड़े रहे लाइन में, क्योंकि 4 टिकट से ज़्यादा किसी आदमी को टिकट नहीं देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती है, आप नेरल स्टेशन के बाहर आएंगे वहीं पे एक टैक्सी स्टैंड है जो माथेरान मतलब अमन लॉज तक लेके जाता है। 100 रुपीज़ चार्जेज है पर पर्सन इनका और 50 रुपीज़ चार्जेज है बच्चों का। तो अभी हम लोग लाइन में खड़े, अपनी टैक्सी का नंबर आएगा तो फिर जाते हैं।
फाइनली हम लोग अमन लॉज पहुंच गए, जहां पे उनका पार्किंग एरिया है, जो एंट्री पॉइंट है माथेरान के अंदर आने के लिए। बहुत गंदा ड्राइविंग है और बहुत रफ ड्राइविंग है। जो भी आप टैक्सी करके आते हो नेरल से यहाँ पे, अभी यहाँ पे अंदर आने के लिए एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर एडल्ट और बच्चे का है 25 रुपीज़। यहाँ पे देखिए मेरे पीछे की तरफ घोड़े आपको दिखेंगे, ऐसी रिक्शा भी है जो आदमी पुल करता है, क्योंकि मैंने सुना है आगे ई रिक्शा भी है। तो फ्रेंड्स ई रिक्शा यहाँ पे अवेलेबल है, 35 रुपीज़ चार्जेज है उसका, मगर तकलीफ ये है उसमें लगेज अलाउड नहीं करते। लगेज आपको दूसरी हाथ रिक्शा जो आदमी चलाता है या तो उससे भेज लो या तो कुली से भेज लो, लगेज अंदर अलाउ नहीं करते, तो ये थोड़ी दिक्कत है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ट्रेन के लिए, ट्राई कर रहे हैं, अमन लॉज से ट्रेन चालू है। बाकी ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ठंडा है एकदम, पूरा यहाँ पे लश ग्रीन है देखने के लिए। अभी तक तो क्लाइमेट बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर जाके देखते हैं। माथेरान में बहुत पब्लिक है आज, यहाँ पे वीकेंड है। तो दोस्तों फाइनली टिकट मिल गया अपने को ट्रेन का, 10:30 का ट्रेन है। अभी टाइम हो रहा है 10:05 कम है, और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपको सीट नंबर अलॉट करके दे देते हैं, तो मारामारी नहीं होता है कि भाई मेरा सीट है, फटाफट चढ़ जाओ, जल्दी जल्दी सीट पकड़ो। बोगी नंबर सीट नंबर आपको दोनों दे देते हैं। और अमन लॉज से माथेरान जाने का चार्जेज है 50 रुपीज़ पर एडल्ट अगर आप सेकेंड क्लास में जाते हो, 350 रुपीज़ फॉर फर्स्ट क्लास, और चाइल्ड का है 35 सेकेंड क्लास के लिए। बाकी हमारा छोटू एक्साइटेड है, yes! तो चलो जाते हैं और ट्रेन आने का वेट करते हैं अभी। फाइनली अपनी ट्रेन आ गई, ये है अपनी सीट 12, ये है 11 और 13। हाय, सो लेट द जर्नी बिगिन। दोस्तों फाइनली वी हैव रीच्ड माथेरान, अभी टाइम हो रहा है 10:50, हम लोग निकले थे वहाँ से ट्रेन 10:35, तो ज़्यादा कुछ नहीं, 10-15 मिनट की राइड थी। बच्चे एंजॉय किया, मज़ा आया, नज़ारे इतने कुछ देखने नहीं मिले, एकाध बीच में आपको वैली जैसा आता है जो आपको थोड़ा बहुत देखने मिलता है, बाकी झाड़ पान मस्त एंजॉय करते चलो। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, माथेरान में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है ऊपर, अमन लॉज से ऊपर आप गाड़ी नहीं ला सकते, आपको गाड़ी वहीं पे पार्क कर देनी पड़ेगी। आपकी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, माथेरान में कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, इको फ्रेंडली जगह है, तो या तो आप घोड़े पे चलो, या तो ई रिक्शा रहती है अभी जो नई नई स्टार्ट हुई है, या तो ये ट्रेन है, या पैदल चलो, उससे ज़्यादा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल सर्च के लिए, क्योंकि बुकिंग अपना कुछ किया नहीं है, रैंडमली प्लान बन गया था। ये होटल हम लोग ने फाइनल किए, रॉयल होटल, मैं यहाँ पे रुका हूँ पहले भी, 6-7 साल पहले आया था, जब भी हम लोग यहाँ पे ऊपर रुके थे तभी फैमिली रूम में। ये अपना आज का रूम 153, आइए रूम टूर देते हैं आपको। ये आ गया अपना डबल बेड, साथ में रेडी होने के लिए ये मिरर, ये आ गया अपना टीवी। यहाँ पे क्या है भाई, ओहो, तो ये है अपनी प्राइवेट बालकनी, और ये कुछ स्टोरिंग के लिए दिया है आपको, कबर्ड है,
अगर आप कुछ स्टोर करना चाहे स्टोर कर सकते हैं। साथ में स्पेशियस है बाथरूम बहुत, WC एरिया, ये आ गया अपना बाथिंग एरिया, वॉश बेसिन और मिरर। तो दोस्तों ये रूम मुझे पड़ा है 2500 रुपीस पर डे के हिसाब से इंक्लूडिंग फूड। फूड मतलब लंच आ गया, स्नैक्स आ गया, डिनर आ गया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आ गया, वहाँ तक आपका सब इंक्लूडेड है। ये छोटा सा चिल्ड्रंस प्ले एरिया बनाया है यहाँ पे इन्होंने। वाह ये देखो, यही एंजॉयमेंट है माथेरन की। बच्चों के लिए कुछ खेलने का मिल जाता है, बड़ों के लिए चिल करके आराम करने का मिल जाता है। ये है स्विमिंग पूल, अभी ठंडा है करके अपना तो चांस नहीं है बॉस उतरने का। ये कुछ भाई लोग है जो उतरने की तैयारी कर रहे पानी के अंदर। ये गया एक, ठंडी लगी उसको भी। आपको आराम करके बैठने के लिए बनाए झूले। तो जस्ट नीचे आए हैं, झूले पे बैठे हैं, थोड़ा क्लाइमेट एंजॉय कर रहे हैं माथेरन का। और हम लोग की बेटी पिया मैडम को मिल गया उसका प्ले एरिया, तो वो चली गई खेलने के लिए। हम लोग थोड़ा चिल कर रहे हैं, बाकी अभी लंच शुरू होगा 12:30 बजे, अभी 12 बज रहे हैं। दोस्तों अगर आप माथेरन आते रहेंगे, ये मेरा सजेशन है, आप प्री बुक होटल करके मत आइए। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं ऑनलाइन, मैं प्रीफर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो आपको होटल मिल ही जाता है बहुत सारी होटल्स है, प्लस बहुत बड़े लेवल पे लोग बार्गेन करते हैं। बाजू में ही एक पैनोरामा करके होटल है, मैं वहाँ पे गया पूछने के लिए, मुझे उन्होंने 5,500 का रेट बोला पर नाइट का। मैं लयर हो गया कल्याणी, बोला रेट बहुत बढ़ गए, बहुत गर्दी है। लास्ट में वो मुझे 4,500 उन्होंने बताया कि 4,500 में आपको रूम दे दूंगा। मैं रॉयल में पहले आया हुआ था 6-7 साल पहले, तो मुझे पता था बाजू में थोड़ा इकोनॉमिकल है। तो हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे भी मुझे उन्होंने 3,500 बोला था हम लोग 3 लोगों का, मगर एट दी एंड उन्होंने 2,500 में हमको दे दिया विथ फूड। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आप आएंगे माथेरान तो प्री बुक करके मत आइए, यहाँ पे आके होटल मिल जाती है और अच्छा खासा बार्गेन होता है उस चीज़ में। ओह लग गया अपना लंच, ये है चटनी, इसमें आ गया ग्रीन सैलेड, साथ में फ्रायम्स, फुलका रोटी, ढोकला, भिंडी मसाला, आलू मटर की सब्जी है इसमें, साथ में है पंजाबी छोले, राइस, दाल और है स्वीट में फ्रूट सैलेड। तो चलो बहुत भूख लगी, अभी फटाफट खाना खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो एकदम गुड मॉर्निंग जैसा घाट हो गया मेरा, क्या घोड़े बेच के सोए हम लोग। 1:30 बजे आए थे रूम पे खाना खाने के बाद लंच करके, और 4:30 बजे उठे। एक्चुअली में माथेरन में यहाँ पे आप जाओगे ना तो सब पॉइंट्स है, 12 पॉइंट है टोटल, सब पॉइंट्स है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको देखने मिलती है, वो है नीचे की वैली। तो इंस्टेड ऑफ मैं रेकमेंड करूँगा आप माथेरन आएंगे तो सब पॉइंट्स घूमने का मत रखिए, माथेरन एंजॉय कीजिए, 1-2 पॉइंट जाइए, सनसेट पॉइंट, इको पॉइंट ऐसा जाइए, बाकी आप थोड़ा माथेरन में घूमिए, पैदल मार्केट घूमिए, यहाँ का जो क्लाइमेट है, नेचर है, वो एंजॉय कीजिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल अभी जाते हैं, देखते हैं हम लोग कौन से पॉइंट जाते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग ने घोड़े कर लिए, अभी मेरा इच्छा तो सिर्फ 2 ही पॉइंट जाने का था, मगर वो नियर बाय वहाँ पे टोटल 7 पॉइंट होते, देखो बार्गेन होता है बहुत। 850 से शुरू हुआ था, 500 रुपये पर घोड़े में माना है, मतलब 1,000 रुपीज़ अपना होगा 2 घोड़े का। थोड़ा बहुत घूम के आएंगे, अभी आए हैं तो थोड़ा घूमना भी ज़रूरी है, आपको दिखाना भी ज़रूरी है। ये देखिए ये है लैंडस्केप पॉइंट, यहाँ पे अंदर जाके आपको नीचे दिखेगा वैली, और ये ट्रैकिंग के लिए यूज होता है नॉर्मली, जो कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो ट्रैकिंग के लिए ये वाला पॉइंट यूज़ करते हैं। तो अभी जो घोड़े का पॉइंट था ड्रॉप का, वहाँ पे हम लोग को रुका है, अभी यहाँ से हम लोग को पैदल चलना है।
कुछ 5 पॉइंट बोल दिए इसने मुझे, धड़ नाम बोल रहा है, याद भी नहीं रह रहा है, एको पॉइंट पता है, तो एक लेक है, तो देखते हैं। ऐसे 5 पॉइंट है, आगे जाऊंगा जैसे पॉइंट आएगा, नाम पता चल जाएगा वैसे आपको मैं बता दूंगा। बाकी घोड़े की राइड जब एंजॉय कर सकते हो, चल के जाना है चल के भी जा सकते हो। पहले के माथेरन के अभी के माथेरन में बहुत फ़र्क है। पहले के माथेरन में ना पूरी सी धूल मिट्टी रहती थी रोड पे चलने के लिए और मज़ा नहीं आता था, मगर अभी जो माथेरन मैं देख रहा हूँ उसके अंदर सब जगह टाइल्स कर दी गई है, तो आप आराम से वॉक कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, मगर चलने का ज़्यादा है, कोई जगह नीचे उतरना है, कोई जगह चढ़ना है, अगर आप थकना नहीं चाहते तो आप थोड़ा कर सकते हो। यहाँ पे है किंग जॉर्ज पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट और एको पॉइंट। तो ये हम लोग आ गए किंग जॉर्ज पॉइंट पे। अभी आपको देखिए हर पॉइंट से यही देखने मिलेगा नीचे वैली। बाकी ये किंग जॉर्ज पॉइंट पे आने का रोड बहुत विचित्र था यार। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 110% यहाँ पे मत आना, क्योंकि चल ही नहीं पाओगे। बाकी थोड़ा फोटोज वगैरह खींचते फिर जाते हैं इको पॉइंट के ऊपर। तो ये है एडवर्ड पॉइंट, वहां से लग रहा था इको पॉइंट रहेगा मगर इको पॉइंट नहीं है, थोड़ा बेटर है जो हम लोग इसके आगे के पॉइंट पर रुके थे उससे। और ये है आगे इको पॉइंट जाने का रास्ता, बहुत नैरो है और मंकी जनाब है, तो हाथ में कुछ रहेगा तो संभालना पड़ेगा। और ये हम पहुंच गए इको पॉइंट के ऊपर। हाँ, इस बार तो नाम भी लिखा हुआ दिख रहा है, देखते इको होता है कि नहीं होता है। आइए ट्राई करते इको होता है कि नहीं। पिया माइनर था, हो गया इको पॉइंट देख के ये सब गले फट रहे पीछे, इको नहीं हो रहा है। जैसे एलिफेंटा में था यहाँ पे भी बंदरों का आतंक है, हाथ में कुछ भी चीज रखोगे कहीं से भी आप झपट्टा मार देते, या तो बैग में रख दीजिए या तो जेब में रख दीजिए। आ गया लॉर्ड पॉइंट और शेलॉक लेक पॉइंट, यहाँ पे ऊपर लेक है, जाते हैं देखते हैं कैसा है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो है शेलॉक लेक पॉइंट, यहाँ से हम लोग को सनसेट भी देखने मिल जाएगा, सनसेट पॉइंट भी आ गए, सीलिया पॉइंट करके बोलते हैं उसको। लेक के दूसरे एंड पे सामने की तरफ है परिसरनाथ मंदिर। तो अभी सनसेट हो चुका है, मस्त यहाँ से टाइमलेस भी लिया, होपफुली आप लोग भी एंजॉय करते रहेंगे। तो अभी जाते हैं अंधेरा हो उसके पहले, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स है नहीं। तो दोस्तों अपना सब पॉइंट्स देख के हो गया, लॉर्ड पॉइंट हो गया, इको पॉइंट हो गया, एडवर्ड पॉइंट हो गया, सनसेट भी देख लिया, लेक भी देख लिया। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से मार्केट की तरफ। तो दोस्तों हो गई अपनी राइड ख़त्म, पहुंच गए मार्केट एरिया में वापस। अपने जो घोड़े वाले भाई थे रमेश भाई, एकदम मज़ेदार आदमी है, बहुत मज़ेदार बातें करते हुए चलते हैं अपने साथ में। तो टाइम कहाँ निकल गया पता नहीं चला, एक बार उनसे बात करते हैं, उनका नंबर जान लीजिए। अगर आप माथेरन में आएंगे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो घोड़े आपको प्रोवाइड कर देंगे, रीजनेबल रेट पर दे देंगे। रेट जो रहेंगे वो उस टाइम पर आपको बता देंगे, जैसे पब्लिक रहती है वैसे यहाँ रेट लगता है। तो रमेश भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आपके साथ में। आपका नंबर एक बार बोल दीजिए, अगर कोई आएगा तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। 9049651483 रमेश भाई। हर बार बोलता हूँ पहाड़ों पे आए और मैगी ना खाए तो क्या खाक पहाड़ों पे आए, गर्मा गर्म मैगी। मार्केट प्लेस में घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता अपना हो गया, डिनर हम लोग होटल पे ही करने वाले हैं, थोड़ा शॉपिंग भी हो गया। अभी नॉर्मली जैसे कोई भी हिल स्टेशन पे रहता है वैसे ही सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे भी, जूट बैग है, कैप्स है, सॉक्स है और टॉयज़ है बच्चे लोग का। तो देखिए रॉयल होटल में फैसिलिटीज सब है, इंडोर गेम्स भी है, स्विमिंग पूल भी है, प्लस रात को इनका डीजे भी रहता है, जो डाइनिंग एरिया उसके सामने जो जगह है वहाँ पर डिस्कोथेक रहता है।
तो दोस्तों सुबह अपना लंच का सेटअप था अंदर, अभी डिनर हम लोग मस्त यहाँ पे देखिए ओपन जगह पे कर रहे हैं। तो नया सेटअप किया है इन्होंने यहाँ पे, ये पहले नहीं था, जब मैं इसके पहले आया था तभी ऐसा सेटअप नहीं था। आइए देखते डिनर में अपने पास आज क्या क्या ऑप्शन है। आठ में है मेरी आपकी सबकी फेवरेट पानी पूरी, साथ में है गर्मा गर्म मांचाओ सूप, वाह, ये आ गया इनका सैलेड, साथ में फ्रायम्स, पाव, चपाती है, बच्चे लोग का सबका फेवरेट चाइनीज नूडल्स, ये आ गया है भाजी, पंजाबी ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये है मिक्स वेज की सब्जी, ये है अपना पालक पनीर, साथ में जीरा राइस, दाल फ्राई, और स्वीट में है गुलाब जामुन। तो दोस्तों डिनर अपना हो चुका, फूड वॉज गुड, सुबह भी अच्छा था, अभी भी सही था, वैसा दिक्कत वाला चीज नहीं, एकदम वाव नहीं था मगर खाना अच्छा था। तो अभी बज रहे 10:30, अभी जा रहे सोने, क्योंकि दो दिन से अपनी नींद हुई नहीं है पूरी जरा भी, तो अभी आज पूरा खराटा मार के सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, तो जस्ट अभी टाइम हो रहा है 10:05, जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चेकआउट करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्लान कर सकते हैं आज का। तो ब्रेकफास्ट में है इडली, सांबार, चटनी, ये वेजिटेबल उपमा, ब्रेड बटर और है चाय कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स चेकआउट अपना हो चुका, जस्ट अभी बाहर आया, मार्केट प्लेस घूमने जा रहे हैं क्योंकि अभी कोई पॉइंट्स देखने जाना है नहीं, कल देख लिए जितने देखने थे। और ट्रेन अभी यहाँ से है 2:45 की जो डायरेक्ट है यहाँ से लेके नेरल तक, तो ट्राई करेंगे वो ट्रेन पकड़ने के लिए, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती, टिकट का कुछ पता नहीं है इस बार भी, अगर नहीं मिलेगी तो अमन लॉज तक तो ट्रेन है ही है। तो दोस्तों अगर आप होटल का रिव्यू लेंगे मेरे पास से रॉयल होटल का, तो ओके ओके होटल है, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ होटल की है जो एकदम मार्केट प्लेस और स्टेशन के नियर बाई है, तो आप वॉकिंग जा सकते हो, आपको घोड़े वोड़े किसी की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। अभी कुछ घर के लिए चिक्की वगैरह ले रहे हैं मार्केट में, निर्माण चिक्की मार्ट करके दिखा है। तो यहाँ पे एक गार्डन भी है, अगर आप चाहे तो मार्केट प्लेस में ये विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। ये गार्डन में एक पॉइंट भी है, व्यूइंग पॉइंट, माधव जी पॉइंट, के यहाँ माधव जी पॉइंट से ये व्यू देखने मिलता है आपको यहाँ पे। तो टाइम हो रहा है 12:50 और लाइन देखो अभी से कितना लगा है, कम से कम 50 से 40 लोग रहेंगे मेरे आगे नेरल की ट्रेन के लिए। तो अभी जस्ट मैंने काउंट किया 37 लोग हैं अपने आगे यहाँ पे लाइन में, एक एक आदमी दो दो तीन तीन टिकट लगाना तो भी अपना नंबर नहीं आने वाला, फर्स्ट क्लास के लिए भी खड़े हैं लोग, तो 4 बजे के पहले की ट्रेन के पहले अपना नंबर नहीं आएगा नेरल की ट्रेन में, तो भी एक खड़े अमन लॉज की ट्रेन की लाइन के लिए, देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली अभी अमन लॉज ही जाना पड़ेगा, नेरल जाना अपने नसीब में है नहीं लगता है। ये मैं 1.25 घंटे पहले आया तो भी इतनी लाइन थी, पता नहीं लोग कितने बजे से लाइन में खड़े हो जाके आते। यहाँ पे 2:45 की नेरल की ट्रेन खड़ी है, तो आपको मैं कोचिज एक बार दिखा देता हूँ अंदर से कैसे हैं। तो ये है AC विस्टाडोम कोच, ये देखिए कौन सवारी कर रहा है इसके अंदर फिलहाल, तो ये है विस्टाडोम कोच, आगे आएंगे तो ये है नॉर्मल सेकंड क्लास, देखिए सेकंड क्लास का कोच है, और इसके आगे जाएंगे तो आएगा फर्स्ट क्लास, ये सेम है सेकंड क्लास में जैसा कोच है वैसा ही है, सिर्फ इसके अंदर अलॉटेड सीट जैसे मतलब बकेट सीट बनाई हुई है ये वाली। तो दोस्तों कोचिस भी मैंने दिखा दिए अंदर से कैसे हैं सबके सब, तो अभी फिलहाल अपनी ट्रेन आ गई है अमन लॉज की। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए नेरल स्टेशन, अपनी छोटी सी वीकेंड ट्रिप हो गई ख़त्म, होपफुली आपको मज़ा आया रहेगा, अगर मज़ा आया रहेगा एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं आपको जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड बाय बाय।